वक्त बदलता रहा, ये दौर तब्दील होता रहा। लोगों ने अपनी बादशाहियाँ कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए। हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए, लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया, अपने इख्तदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ? ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में। भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्ज ही वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते फिर पाश पाश हो जाते हैं। वक्त गुजरा, टाइम यजीद का आया। वक्त गुजरा तो टाइम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आया, टाइम शिमर का आया। 1450 साल गुजरने के बाद इस हजारों के मजमे में से एक एक बच्चे को हदीस याद है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बताओ, यजीद को नहीं आती थी, शिमर को नहीं पता था, कलमा तो पढ़ते थे ना ये, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर हसनैन रहे, इन सब को पता नहीं था। ये जानते नहीं थे कि ये वो हसनैन करीमैन है जिनको हुजूर सूंघते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल हैं दोनों। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आज 1450 साल गुजरने के बाद उम्मत को हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहलाते थे। 10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुम्मा लेट हो रहा है। बल्ले और नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे। वो सामने खड़े और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नबी पाक ने फरमाया था ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सामने इमाम हुसैन खड़े, फरमाया मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी हैं। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की ज़ियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज़ करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते हैं, लोग गवर्नरियाँ पक्की करते रहे, लोग गुड बुक में जाने के लिए एक दूसरे को शाबाशियाँ देते रहे, जश्न होता रहा। सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम हुर बिन यजीद था। सबसे पहले उसने रोका था। वो एक लश्कर का सिपा सालार था। जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा पढ़ा ना तो हुर यजीदी फ़ौज में था, वापस गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से जाके कहने लगा, या जो भी वहाँ लोग मौजूद थे यजीदी फ़ौज के, उनसे कहने लगा तुमने तो कहा था कि सिर्फ रास्ता रोकना है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ इनसे कुछ मनवाना है, तुमने तो जब मुझे भेजा था तो कहा था कि बात थोड़े मामलात हैं, और सच बताओ नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली हैं, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है, मुझे सच बचाओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा, क्या यह खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे हाँ यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे? जनाब अली अकबर को जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी तीन करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा हाँ तैयारी हो गई है। तो सब के ज़मीर मुर्दा नहीं होते। हाँ बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। हुर ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है, कहा पक्का इरादा है, तो उसने कहा ये ज़ीरा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा एड़ी लगाई उसने, और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा हुजूर मैं मुजरिम हूँ, मैं खताकार हूँ, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है, हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है, अगर माफ़ी मांगूं तो माफ़ कर दोगे, पहला मुजरिम हूँ, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे? ये ज़रफ़, ये हौसले, ये तवानाइयाँ अगर हैं तो सैयदा फ़ातिमा के दूध में है, ये शेर खुदा की तरबियत में है, ये महबूब ने जो उनकी ज़ुबानों को चूसा तो उस करम में है। हज़रत इमाम हुसैन ने उठ के सीना यूँ चौड़ा किया, हाथ फैलाया, फरमाया आजा, लग जाना मेरे सीने के साथ, तू आ जाना, तूने देर की, हम तो पहले से मुंतज़िर थे, तू आ जा, तेरी सारी माफ़ है। हुर के मुकद्दर जागे, इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हुआ। बाज़ ने लिखा है जो लोग इब्तदा में शहीद हुए इमाम हुसैन की तरफ से उनमें हुर शामिल।